हाई, दिस इज डबल डी आई एक्स आई लेकिन डिक्सी एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो आप देखो, उससे पहले मुझे आपसे कुछ करना है। सब्सक्राइब। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय द वे, दिस इज अबाउट एवरी गर्ल्स विश। यस, ऐसी विशेज लड़कियां लेके बैठी हुई है कि क्या बताएं, पर एक्चुअली विशेज क्या होनी चाहिए ये भी सुन लो। विशेस क्या क्या है, आई मीन एक लविंग केयरिंग हस्बैंड चाहिए, एक अच्छा सा घर चाहिए, ठिकाने छे ने तारू कई छोकरी नी आवे विशेस होय। आई मीन दरेक छोकरी नी एक ज विश होय, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए तो धक्का मुक्की करया वगैरह एने जगह मळे। बॉयफ्रेंड भी हो या हस्बैंड भी हो तो ठीक है, साथी बिना बात के टेक्स्ट करे, आई मिस यू, आई लव यू बोले। अपने इक्वल आईलाइनर करता शीखी गया बनने आंखों में, अपन इक्वल सैलरी इक्वल पे राइज नी बात आवे छे क्या, वो मिले। हस्बैंड लविंग केयरिंग हो ना हो क्या फर्क पड़ता है यार, मतलब घर में कोई काम करने में हेल्प करे वैसा मिले। गिफ्ट्स के लिए कोई ओकेजन की जरूरत नहीं है, पर प्यार तो जताए, आई मीन थोड़ा सा पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन भी तो होना चाहिए ना। और हर जगह जाते हैं तो बिन मांगे अटेंशन बहुत मिलता है, वो ना मिले और थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिले, हर लड़की की ये विश भी है। मतलब हर 6 महीने में एक टूर हो जाए, एक साल में एक बड़ी टूर हो जाए, और लड़कियों की विशेस होती ही क्या है। डीएम में हेलो बेब्स, व्हाट्सएप फ्रेंडशिप विद मी, दिस इज माय नंबर, ऐसा कहने वाले लोग बिल्कुल ना मिले। शॉपिंग में थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट मिले, पानी पूरी एक्स्ट्रा मिले, अगर अच्छा लंबा बड़ा बिल बन गया हो आपका ब्यूटी पार्लर में तो एटलीस्ट पेडिक्योर फ्री में मिले। रिलेटिव्स जो शादी के बारे में कम करियर के बारे में ज्यादा बात करे ऐसे मिले, ये होती है हर लड़की की विश। और अगर फिर भी तू ये चाहती है कि तुझे कोई ऐसा मिले जैसे रणवीर दीपिका को देखता हो और हमें प्यार हो जाता हो, तो रहने दे, मैं तुझे फिर से एक बार याद दिला दूं, ये प्रजाति नष्ट हो चुकी है, है? तो अगर तू ऐसे ख्वाब लेके बैठी रहेगी तो तू सिंगल क्यों है, उसका रीजन मिल गया। ओके बाय।